लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ में डीआईजी अपर पर यौन शोषण का आरोप लगा है। आपको बता दें कि पुलिस रेडियो मुख्यालय की महिला कर्मियों ने यह आरोप लगाया है। महिला कर्मचारियों ने डीजीपी को पत्र लिखा है, उन्होंने कहा है कि पोस्टिंग के लिए सौदेबाजी का बनाया जाता है दबाव। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर डीआईजी अपर पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि पुलिस रेडियो मुख्यालय की महिला कर्मियों ने यह आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पुलिस रेडियो मुख्यालय में जो महिला कर्मचारी हैं, जो कार्य करते हैं, उनका कहना है कि पोस्टिंग के लिए सौदेबाजी का दबाव जो है वो बनाया जाता है। अगर आपको मनचाही पोस्टिंग करानी है तो सौदेबाजी करनी होगी, यह आरोप महिला कर्मियों ने लगाया है। आपको बता दें कि डीआईजी अपर पर यौन शोषण का यह आरोप लगा है। इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, पुलिस महकमे को हिला देने वाली एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि को खराब करने वाली एक खबर। आपको बता दें कि डीआईजी अपर पर यौन शोषण के जो आरोप है वो लगाए वो किसी और ने नहीं, बल्कि उनके महिला कर्मचारियों ने ही, जो उनके साथ जो काम करती हैं उन्होंने यह आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पोस्टिंग के लिए सौदेबाजी करनी पड़ती है, यानी कि पोस्टिंग के लिए उनका कहना है कि सौदेबाजी का दबाव बनाया जाता है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, जो पुलिस महकमे को झकझोर के रख देने वाली खबर जो है इस वक्त ये सामने आ रही है लखनऊ से। तो हमारे सहयोगी गगन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से, सीधे उनका रुख करेंगे। गगन, जिस तरीके से लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है, डीआईजी अपर पर यौन शोषण के आरोप जो है लगाए गए हैं, जहां एक तरफ लगातार पुलिस महकमा जो है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश से अपराध को खत्म करने की बात कर रहा था, दूसरी तरफ खुद पुलिस महकमे से ही ऐसी इतनी बड़ी खबर सामने आती है। देखिए, अब से आज पहले ये कोई नया वाक्य नहीं है जब पुलिस महिला पुलिस कर्मियों ने आरोप लगाया हो, लेकिन जो ये आरोप लगाया है वो काफी बड़ा और काफी गंभीर आरोप है। एक डीआईजी रैंक के अधिकारी का आरोप है कि कुछ महिला कर्मी हैं, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो नई महिला कर्मी रेडियो मुख्यालय में तैनात होती है उनका ट्रांसफर डायल 112 में किया जाता है, क्योंकि वहां पर ट्रांसफर नीति का मामला नहीं है, वहां पर कोई नई नीति नहीं बनी, इसलिए जब वो डायल 112 से वापस रेडियो मुख्यालय जहां चाहती हैं तब उनसे गलत सौदेबाजी की बात कही जाती है, उनका शारीरिक शोषण करने की बात कही जाती है, और कुछ महिलाओं के साथ, महिला कर्मियों के साथ शारीरिक शोषण हो भी चुका है, ऐसा आरोप उस पत्र में लगाया गया है जो कुछ महिला कर्मियों ने, जो पुलिस महिला कर्मी है जिन्होंने डीजीपी मुख्यालय डीजीपी को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। काफी संगीन आरोप है, ये 18 अगस्त को पत्र लिखा गया था। साफ तौर पर महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने जो पत्र में लिखा है वो इतना गंभीर जो आरोप लगाया है, उसमें ये भी कहा है कि उनकी हालत उन महिलाओं से है जो व्यापार करती हैं, उनसे भी बदतर हालात हैं। 3 महिला कर्मी सुसाइड कर चुकी हैं। तो ये जो गंभीर मामला है, सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, डीजीपी जयसन अवस्थी को पत्र लिखा है, और देखने वाली होगी कि जांच बैठती है तो कौन से अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि 3 महिला जो कर्मी है वो आत्महत्या भी कर चुके हैं, दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने बताया कि जो पत्र है वो लिखा गया 18 अगस्त को पत्र लिखा गया था, डीजीपी और मुख्यमंत्री के पत्र लिखा गया था, ऐसे में डीजीपी की तरफ से कुछ कहा गया हो, मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे मामले पर कुछ कहा गया हो, किसी आला अधिकारी ने कुछ इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी हो? देखिए, अब तक क्योंकि आरोप एक डीआईजी रैंक के अफसर का है और विभाग के ही, पुलिस विभाग के ही अंदर एक इतना बड़ा आरोप लगता है, तो ये बिल्कुल नियत था कि ये पत्र बाहर नहीं किया जाएगा और किसी अधिकारी की तरफ से कोई सुगुगाहट भी नहीं आएगी कि ऐसा कोई आरोप भी लगा है। लेकिन अब जब आरोप बाहर, जब जो ये पत्र है वो बाहर आ गया है, तो अब हलकान मचा हुआ है सिग्नेचर बिल्डिंग में कि आखिरकार इतना बड़ा मामला हो गया है, एक डीआईजी रैंक के अफसर पर आरोप लग रहा है और कुछ महिला पुलिसकर्मी आरोप लगा रही है कि उनके साथ शोषण हो रहा है, उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, उनसे गलत सौदेबाजी की बात कही जा रही है। तो अब माना जा रहा है कि क्योंकि डीजीपी अभी साफ तौर पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनसे ये पूछा जा सके कि आखिरकार 18 अगस्त को पत्र लिखा गया था, कौन सी जांच कमेटी बनाई गई, कौन से अधिकारी इन पर जांच कर रहे हैं, और आखिरकार दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। वो तमाम सवाल हैं जो डीजीपी हितेश नवस्थी से
पूछे जाने हैं, क्योंकि आरोप इतना गंभीर है। जहां पर महिला सुरक्षा की बात की जाती है, जो सरकार के दौरान योगी आदित्यनाथ स्वयं खुद कहते हैं कि महिला अपराध, महिलाओं को सुरक्षा देना उनका पहला कर्तव्य है, लेकिन उन्हीं के मातहत उन्हीं के पुलिस विभाग के कुछ ऐसे अधिकारी जो अपने ही विभाग की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और गलत सौदेबाजी का आरोप लगा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। जी जी, 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 जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश जो है की जा रही है, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर अगली अपडेट क्या कुछ आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।